अभी बज रहे हैं 10:30 और हमें 11 बजे निकलना है जमारा के नए स्कूल के इंटरव्यू के लिए। तो जल्दी जल्दी हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद भी बोलेंगे। जल्दी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फीफा ने आज यूजुअल हमें लेट करा दिया है। गुस्सा आ गया मुझे, अब मुझे गुस्सा आ गया। आधा घंटा है फीफा हमारे पास, वी स्टिल हैव हाफ एन आवर। बिकॉज़ यू आर रेडी ना, आई एम नॉट, आई हैड टू लुक आफ्टर ज़मारा। ओह यस, लेकिन आई नो यू विल गेट रेडी ऑन टाइम। So confident only. So, अब हम जा रहे हैं, तैयार वगैरह हो गए हैं। हमारा गोल था कि हम 11:15 पहुंच जाएं, लेकिन 11:13 अभी हम 11:20 पे हम पहुंचेंगे, which is fine, I guess. बस मुझे थोड़ी सी palpitations स्टार्ट हो जाती है अगर मेरे टाइम के हिसाब से कुछ ना हो, बट खैर फिर भी हमने वो एरर ऑफ मार्जिन रखा था। वही ये नहीं करना तुम इंटरव्यू में, वरना रिजेक्शन आ जाएगी। डालूंगा ये, लेकिन स्कूल ने देख लिया ना, मेरे को पता लगे। और ये हो सकता है ज़मारा का प्राइवेट स्कूल, और ज़मारा को ये स्कूल पसंद भी आ रहा है, मुझे लग रहा है। इंटरव्यू हमारा हो गया है और फीफा बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मुझे लग रहा था उसका एडमिशन होने आ रहा है, लेकिन अच्छा हुआ। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। वी लाइक द स्कूल, सो थिंग इज दैट वी हैव सम अदर ऑप्शंस एज वेल, सो वी विल सी कि हम कहाँ उसको डालते हैं, बट दिस वन वाज नाइस। तो भाई हम आ गए हैं जूस पीने वहाँ से, क्योंकि अपेरेंटली फीफा के हिसाब से हमारा इंटरव्यू बहुत बुरा गया है, तो मैं उसको चेयर अप करने के लिए जूस पिलाने आ गया। सफाई में मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी कि हमारा इंटरव्यू वैसे सही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बस जैन ने एक गलतियाँ की है जो मैंने जैन को मना किया था, जैन ने वो ही गलती नहीं की है, उल्टा मैंने संभाल लिया सब। वो संभाल ही और गलत है, यही तो प्रॉब्लम हो गई। मैंने हैंडल कर लिया। सो जूस हमारा आ गया है और हम लोग ग्रीनो आए हुए हैं जूस पीने के लिए। ये ग्रीनो है और यहाँ पे ज़मारा भी आगे आ गई है जूस पीने के लिए। आई थिंक शी आल्सो लाइक्स इट। ज़मारा, यू लाइक इट? लाइक इट यार, इतने जूसेस भी पी लूं ना मैं, मुझे अच्छा हमेशा ग्रीनो ही लगता है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसीलिए अफीफा कह रही है उसे नहीं पसंद। नहीं पसंद अफीफा को, बेसिकली बहुत फाइन ब्लेंडेड जूसेस नहीं पसंद। ये जो है ना, थोड़ा सा बिल्कुल फाइन कर देते हैं, बिल्कुल पतला होता है ये। बट मुझे पता नहीं, कुछ आई जस्ट फील इट्स नाइस, क्योंकि हाइजीन प्रॉब्लम्स है मुझे, तो मुझे ये सही लगता है इसलिए। आ गए ज़मारा, क्या बोलते हैं? चलो भाई, लेट्स गो। तो घर हम आ चुके हैं, थोड़ा इजी होंगे, चेंज वेंज करेंगे, उसके बाद फीफा का मुझे एक काम कराना है टेलर के पास ले जाके, और फिर आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, तो लेट्स होप आज पूरा मैच हो, कल की तरह फ्लॉप ना हो जाए सीन। क्या जबरदस्त आज हवाएं चल रही हैं, मौसम अच्छा है भाई। तो भाई हम बैठ गए, चेंज वेंज करके हम आए, हमने कहा मैच लगाते हैं, तो पता चला मैच फिर से नहीं हो रहा है, अभी भी बारिश हो रही है वहाँ पे। हाँ, कि ज़मारा और ज़मारा की जो है यहाँ पे अपनी एंटरटेनमेंट चल रही है, लेकिन इट्स ऑनेस्टली सो अनोइंग, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या किस तरह का इन्होंने टूर्नामेंट प्लान किया है। बट एनी हाउ, अभी हमें जाना है शायद राबी सेंटर, अफीफा को कोई काम वगैरह है। मैं समझ रहा था कि मैं टेलर के काम से बच गया हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, अब हमें जाना है ऑल द वे ओवर देयर। वैसे भी मैच तो हो नहीं रहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, काम ही कर लेते हैं। इससे पहले लेकिन हम लोग निकले हैं, अफीफा जो है वो नीचे है, वो खाना लेके आ रही है हम लोगों के लिए, तो हम खाना खाएंगे उसके बाद हम निकलेंगे मार्केट के। जैन जो है वो ऊपर
जमाने के साथ हैं। मीन वाइल यहाँ पर जब भी मुझे कुछ घर में खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, मैं ये बहुत सिंपल सी चीज़ बनाती हूँ, इसमें कोई भी साइंस नहीं है। एंड अभी मैं इसकी रेसिपी भी लिंक करूँगी, इट्स सुपर गुड। आओ ज़मारा, इट्स माय फूड। एक्सक्यूज मी? यस इट इज। क्या लग रहा है? लुक सो नाइस। आपके लिए घर का खाना है। बहुत मजे का। थैंक यू अभिवा। आपके लिए घर का खाना है। थैंक यू अभिवा। मैंने बता दिया कि दिस इज, जब मुझे कुछ खाना नहीं होता, समझ नहीं आता, ये बना के खा लेती हूं। लेकिन ये क्वांटिटी मुझे पता है, मैं ज्यादा इसलिए बनाई। आधे से ज्यादा मेरा है, थोड़ा सा आपका, आपका घर का खाना भी आ रहा है। आज घर के मेन्यू में कोफ्ते, आलू की सब्जी एंड राइस। और अफीफा जो है अपना यहाँ पे मील चल रही है उनकी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों यहाँ पे मैच चल रहा है, मतलब अजूल में। इग्नोर माई शेड्स बिकॉज ज़मारा ने मुझे कहा घर में पहन के बैठने के लिए। नो इट्स ऑल फाइन, इट्स जस्ट दैट ज़मारा ने मुझे रिक्वेस्ट की है। एनी वेज ने मुझे आइडिया दिया कि हम बाइकियाँ करा लें। अब दोनों जो मैं जिनसे लेती हूँ वो दोनों ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जैन नहीं लेकर जा रहे हैं और बस ज़मारा के साथ खेल रहे हैं। और मेरा आइडिया काम आ गया है, हमें नहीं जाना पड़ेगा। एंड फाइनली द मैच हैज स्टार्टेड। कभी जिंदगी में मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना खाली स्टेडियम नहीं देखा। यू नो दिस इज व्हाट हैपेंस जब ये इस तरह की चीज़ें आप डिसीजंस लें, पूरा एक्साइटमेंट लेवल ख़त्म हो जाता है सबका। आई थिंक इन लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए नेक्स्ट टूर्नामेंट्स के लिए, कि इस तरह के भंड नाम आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ताकि ऑडियंस के लिए भी एक्साइटमेंट हो, चाहे वो टीवी पे देख रहा है या क्राउड जो वहाँ पे आ रहा है स्टेडियम में। हमारा कहना है, look at your doll, please. What are you doing? Okay, you can take her. Bye. अरे भाई राहुल और कोहली क्या कर रहे हो यार, आउट हो जाओ। ये वाला मैच तो मुझे लग रहा है 2 दिन के ऊपर गया है हमारे टॉर्चर के लिए। कोलंबो में एक दफा फिर बारिश करा दे ताकि पाकिस्तान को भी 1 पॉइंट मिल जाए। आई नो इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर अस, वी माइट लूज दिस मैच। टेलर का काम आ ही गया है फीफा का, काफी कोशिश में करता रहा कि मुझे ना जाना पड़े, लेकिन अब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है तो जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की धुलाई देखने का मुझे बहुत ज्यादा शौक हो रहा है, बहुत बुरी तरह पिट रहे हैं। फीफा के काम करा के हम घर तो वापस आ गए, लेकिन मैच में क्या हो रहा है यार, दोनों ने सेंचुरी बना दी है कोहली और राहुल ने। पता नहीं आज क्या हो गया पाकिस्तान की बॉलिंग को, समझ भी नहीं आ रहा कि अब हमारे बैटर्स कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट खैर इस वक्त हमारे पास उम्मीद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई रियली होप कि हमारे ओपनर्स और बाबर आजम वगैरह कुछ कर पाएं, अदरवाइज दिल टूट जाएगा। और पाकिस्तान की बैटिंग लाजिम शुरू हो गई है, और मैंने सोचा हम जब तक थोड़ा सा टी ब्रेक लें। So here's my tea stuff. मैं इस उम्मीद में था कि बारिश ने हमें बचा लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच वापस स्टार्ट हो चुका है। मुझे असरात अच्छे नहीं लग रहे हैं, उम्मीद तो दुनिया का। तो मैच में तो कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है, तो हमने सोचा हम खाने को ही इंजॉय कर लेते हैं। तो हमने आज मंगवाया है कैलिफोर्निया पिज्ज़ा, घर पे क्या है सिंगापुरियन राइस। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, पूरा मूड खराब कर दिया। आप ही ज़ैफ़ा, क्या आपका वर्डिक्ट है आज के मैच के बारे में? नो कमेंट्स, पॉइंट्स डिड वेल। अब हम जो है अपने फीफा सेशन पे जाएंगे ताकि हम थोड़ा अपना मूड अच्छा करें। और ज़ैफ़ा तुम चाहते हो कि सबको पता चले तो हमारे साथ क्या होता है? बता दे और आज दिखा भी दे। दिस गाय लूजेस टू मी एवरी टाइम। बाय द वे ही इज माय नेफ्यू
एंड ओनली 3 इयर्स यंगर टू मी. ये लगते मुझसे बड़े हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये है मुझसे. ऑल आई एम गोना से आज के ब्लॉग में दिखा दिएगा सबको क्या मैं आपका क्या. चलो डन हो गया, चलो डर हो गया. मैं सोच रहा मैं अभी एंड करूंगा यहाँ पे, अब मैं एंड नहीं कर रहा हूँ, अब मैं स्कोर लाइन दिखाऊंगा सबको. चलो और स्टार्ट होने वाला है फीफा का सेशन. और उज़ैफ मुझे पता है बहुत नर्वस हो रहे हो, इट्स ओके. So after very exciting games, आज का टूर्नामेंट टाई हो गया हम दोनों में सरप्राइजिंगली, लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग मैचेस हुए. हम एटलीस्ट हम जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था वो तो डेफिनेटली भूल गए. So this was for today's vlog. See you next time. Take care everyone. Allah Hafiz.